अक्सर लोग अपनी उम्र को छुपाने का प्रयास करते हैं। अपनी उम्र से छोटा दिखना अमूमन सभी को पसंद होता है। फिर जब बात किसी अभिनेता की हो तो उसे तो बूढ़ा होने का कभी मन ही नहीं करेगा। आज के दौर में जहां सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे अभिनेता अब भी अपनी उम्र से कम उम्र वाले किरदार निभाते हैं, तो वहीं एक अभिनेता ऐसे भी थे जिन्हें बुढ़ापे से इतना लगाव था कि उन्होंने भरी जवानी में भी बुढ़ापे वाले किरदार निभाए हैं। सिनेमा की शुरुआत से लेकर अभी तक लगभग हर दौर में अभिनेता जवानी की तरफ भागते हुए नजर आए हैं। यहां तक कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी 57 साल की उम्र में भी भरी जवानी वाला किरदार निभाया था। फिल्म सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर तो याद ही होंगे, लेकिन अमिताभ के ये ही दौर के एक अभिनेता ऐसे भी थे जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का किरदार निभाया था। ये अभिनेता थे संजीव कुमार। संजीव कुमार ने जितनी फिल्मों में भी काम किया है उनमें से अधिकांश में उन्होंने बुढ़ापे वाले किरदार निभाए हैं। संजीव कुमार का कहना था कि ऐसा करके वो अपने अरमान पूरे कर रहे हैं। दरअसल एक बार जब संजीव कुमार से इस बारे में पूछा गया कि आप भरी जवानी में बुढ़ापे वाले किरदार क्यों निभाते हैं, इस सवाल का जवाब अभिनेता ने कुछ इस तरह दिया था। सवाल के जवाब में संजीव कुमार ने कहा, मेरा हाथ देखकर एक बार किसी ज्योतिषी ने बताया था कि मेरी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, बूढ़ा होना मेरा नसीब में नहीं है, बुजुर्ग होने का अरमान पूरा कर रहा हूँ, और वाकई उनकी ये बात सच साबित हुई। इस बात की जानकारी उनके एक बेहद करीबी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। संजीव कुमार का महज 47 साल की उम्र में ही निधन हो गया था। संजीव कुमार अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता रहे हैं। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में कई फिल्मों के किरदारों को अमर कर दिया। फिल्म शोले में निभाया हुआ उनका किरदार ठाकुर आज भी लोगों के जहन में है।